नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही करें, बीच में भी कोई पार्टी तोड़ सकती है उस कॉन्ट्रैक्ट को। तो किस किस तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, एक होता है एक्चुअल ब्रीच, दूसरा है एंटिसिपेटरी ब्रीच और तीसरा है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। तो इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। एक्चुअल ब्रीच का मतलब है कि आपने जिस दिन को कॉन्ट्रैक्ट को करना था, जिस दिन आपको ड्यूटी अपनी परफॉर्म करनी थी, उस दिन आपने मना कर दिया परफॉर्म करने से। फॉर एग्जांपल, आप एक किराएदार हो, आपने मकान मालिक से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये किराया दूंगा और ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 11 महीने तक मैं आपके घर में रहूँगा। ठीक है जी, 1 जनवरी को आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया और 10 जनवरी को आपको ये घर का जो है पोजेशन मिलने वाला था। तो आप 10 जनवरी को उस मकान मालिक को ये कह रहे हो कि जी मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, मैं आपके घर में नहीं रहूँगा, मुझे कोई दूसरा घर मिल गया है। तो ये क्या हुआ, ये एक्चुअल ब्रीच हुआ, क्योंकि जिस दिन पोजेशन मिलना था उसी दिन आपने उसको बताया है कि जी मुझे नहीं चाहिए। दूसरा है एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपने 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 जनवरी को पोजेशन था, 10 जनवरी से पहले अगर आप पहले उसको बता दो कि जी 7 जनवरी को ही आप बता दो कि जी मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे दूसरी अच्छी डील आपसे मिल गई है, तो ऐसे केस में इसको कहेंगे हम एंटिसिपेटरी ब्रीच, क्योंकि आपने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब भैया ज़रूरी थोड़ी आप ही इन्फॉर्म करोगे, वो भी कर सकता है। वो कैसे करेगा, मान लो उसने घर ही बेच दिया किसी और को, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक इम्प्लाइड एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गई, क्योंकि घर बेच दिया तो जो नया ओनर होगा अब वो ये डिसाइड करेगा कि उसमें कौन किराए पर रहेगा या कौन नहीं रहेगा। ठीक है जी। तीसरा है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि आपने 11 महीने के लिए वो घर लिया था, लेकिन 6 महीने बाद ही आपको ये लगता है कि आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा ड्यू टू एनी रीज़न। हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो गया या कोई और बेटर घर मिल गया है या लोकेलिटी आपको चेंज करनी है किसी कारण से, तो ऐसे केस में आप उसको खाली करना चाहते हो। तो बीच में जब रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आप उसको तोड़ रहे हो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस, तो वो है ड्यूरिंग परफॉर्मेंस का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। या फिर एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो आपने 1,000 पैकेट मंगाए थे किसी चीज़ के, चिप्स के आपने 1,000 पैकेट मंगाए थे और जो दूसरा व्यक्ति है वो आपको 600 ही प्रोवाइड करता है और कहता है कि जी बाकी 400 तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो आपको मना कर रहा है, तो ये क्या होगा, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है तो भैया कोई रेमेडी भी होनी चाहिए, ऐसे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या रहेगी अगर रेमेडी नहीं है उसकी, उसके उपचार क्या होगा, उसके लिए आप एक्शन क्या ले सकते हो, उसका भी तो प्रावधान होना चाहिए ना कानून के अंदर। तो उसको पढ़ लेते हैं साहब। रेमेडीज़ ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 से 75 में दी गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो सबसे पहले आप डैमेजेस फाइल कर सकते हो साहब। डैमेजेस भी कई तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज का मतलब ये है कि मान लो आपने 100 चेयर का ऑर्डर दिया किसी व्यक्ति को जो मैन्युफैक्चरर है फर्नीचर का, उसको आपने कहा कि भैया मुझे इस दिन 100 चेयर चाहिए और कीमत भी तय हो गई, मान लो 100 रुपये की एक चेयर के हिसाब से मैं तुमको पैसे दूंगा, बोला ठीक है। तो उस दिन वो चेयर डिलीवर नहीं करता है और आपको मार्केट से 120 रुपये पर चेयर के हिसाब से वो खरीदनी पड़ जाती हैं। तो अब ऑर्डिनरी डैमेजेस ये होंगे कि उसको 120 जो कि मार्केट प्राइस था माइनस जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 100 रुपीज़, क्या हुआ 20 रुपये। तो 20 रुपये प्रति चेयर के हिसाब से उसको आपको हर्जाना देना होगा। तो कितनी चेयर थी, 100 चेयर्स थी और 20 रुपये इंटू 100 कितना हुआ, 2,000 रुपये का उसको हर्जाना देना होगा। इसको कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज, मार्केट प्राइस माइनस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू क्वांटिटी, जो भी नंबर ऑफ आपने क्वांटिटी ऑर्डर करी है वो होता है आपका ऑर्डिनरी डैमेजेस। दूसरे हैं स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेज का मतलब क्या है कि जब आपने ऑर्डर दिया चेयर्स का, आपने उसको पहले ही बता दिया कि भैया मैं एक होलसेलर हूँ, मुझे आगे रिटेलर को ये 150 रुपये में बेचनी है, मैं तुमसे 100 रुपये में खरीदा हूँ, 150 में मैं उसको बेचूंगा इसी दिन का, आपने एक पर्टिकुलर दिन आपको 10 दिन बाद का आपने उसको टाइम दे दिया कि इस दिन मुझे ये चेयर्स चाहिए ताकि उस दिन मैं उसको 150 रुपये में रिटेलर को प्रोवाइड कर सकूँ। अब उसने वो प्रोवाइड नहीं करी आपको 100 रुपये में, तो आपको जो है वो 150 रुपये की देनी थी, तो डिफरेंस क्या है 100 150 में 50 रुपये का, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया था कि आप आगे उसको 150 रुपये में बेचने वाले हो, तो डिफरेंस अब 20 रुपये का नहीं है। बेशक मार्केट प्राइस 120 रुपये था, लेकिन क्योंकि आपको 150 रुपये में बेचनी थी और आपने ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म कर दिया था, तो अब आपको 50 रुपये प्रति चेयर का हर्जाना उससे आप वसूल सकते हो मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं किया। तो अब आपको जो हर्जाना मिलेगा वो 50 × 100 चेयर्स का मिलेगा, यानी कि 5,000 रुपये का हर्जाना मिलेगा। ठीक है जी, इसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। तीसरा है रिमोट डैमेजेस। रिमोट डैमेजेस मतलब डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने में और आपको जो भी डैमेज हुआ है उसमें। तो सबसे पहले देखो, एक एग्जांपल से समझो, एक फ़्लाइट है उसमें आप जाने वाले थे, फ़्लाइट हो गई कैंसिल। अब आपकी वाइफ जो है वो बीमार पड़ गई, क्योंकि उस समय
जो है काफ़ी ठंडा मौसम हो रहा था और उसको सर्दी हो गई या बुखार हो गया जो भी है, तो आपने जो मेडिकल बिल है वो आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी को थमा दिया कि भैया तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी जो है बीमार हुई है तो अब तुम भरोगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो ये कह सकती है कि भैया हमें क्या पता कि तुम्हारी पत्नी किस वजह से बीमार हुई है, हो सकता है पहले से कोई इलनेस हो सकता है पहले से सर्दी लगी हुई हो, ज़रूरी थोड़ी है कि उसी दिन लगी थी, तुम प्रूव करके दिखाओ कि उस दिन लगी थी, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है, है ना, हो सकता है तुमने उस दिन ठंड में आइसक्रीम खाई हो तो वो तो तुम्हारी मर्ज़ी से खाई थी तुमने, हम क्यों हर्जाना भरें। तो ये एक रिमोट डैमेज है जो कि प्रूव करना बहुत मुश्किल है, उसका डायरेक्ट लिंक कि फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से कैसे बीमार हुई ये स्थापित करके दिखाओ। तो ये अगर आप स्थापित नहीं कर पाते हो तो ये एक रिमोट डैमेज होगा जिसका कि आपको हर्जाना नहीं मिलेगा। ठीक है जी, इसी के साथ हमारा जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।